माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने सेम कपड़े पहने, तो यस बिकॉज अभी अभी मैंने एक ट्रेलर देखा, सॉरी ट्रेलर देखा या देखने जाओगे? ट्रेलर देखा नहीं है, सजेशन में आया था। सजेशन में ट्रेलर आया था विक्रम, और काफी अच्छा मुझे लगा, तो मैंने सोचा यार इस पे बना के फिर मैं उठती हूँ, और पहले मैं विक्रम का ही आप लोग को, एंड क्योंकि ये ट्रेंडिंग 2 में है तो व्यूज इसलिए हम ये पहले डालेंगे सोच रहे हैं वाली वीडियो। और इसका पोस्टर काफी आई कैची लग रहा था मुझे, कि लग रहा था कि हाँ यार ये देखनी बनती है। कॉज हम यूट्यूबर्स, जैसे मेरा पर्सनल डायलॉग है ये वाला, कि हम यूट्यूबर्स व्यूज के भूखे होते हैं। हाँ, व्यूज के, लाइक्स के, कमेंट्स के, अप्रिसिएशन के, हमारा पेट तभी भरता है, खाना हाँ, तो चलेगा। हाँ, कमेंट पूरे होने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ट्रेलर। माइक तो है ना कहीं सही जगह? पता चले बोले जा रहे हैं माइक में, ये रहा ना माइक। हाँ ठीक है, पता चले बोले जा रहे हैं माइक में, आवाज ही नहीं आ रही। भूत दिख रहे हैं भूत। चलो स्टार्ट। एक घने जंगल के बीच में शेर, बाघ, तेंदुआ शिकार के पीछे दौड़ेगा। हिरन जिंदा रहने के लिए दौड़ेगा। नेशनल ज्योग्राफी चल रहा है क्या? लेकिन सूर्यास्त होने पर अगली सुबह देखने के लिए कौन कौन बचेगा, इसका फैसला तो प्रकृति ही करेगी। लेकिन मेरे जंगल में कौन कब और कैसे जीवित रहेगा, इसका फैसला प्रकृति नहीं मैं करूंगा। हमारे लिए नहीं है, चाहे जितना फॉलो करो टूट ही जाते हैं। कोई दूसरा बड़ा रुपया ही कर सकता है। जब तक मेरे हाथों में मेरे हथियार हैं, तुम्हारी गवर्नमेंट की दया की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकता हूँ। अच्छा तो तुम में और आतंकवादियों में क्या अंतर है? एक इंसान की क्रांति दूसरे के लिए आतंक हो सकता है। सर अगर साधनम के लोगों ने हमें घेर लिया और हम फंस गए तो हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें पता है ऐसे समय में बहादुर लोग क्या गुनगुनाते हैं? देख लेंगे। So, ये जो हिंदी ट्रेलर था, पहले बता दूं ये डब, मतलब अभी ऑफिशियल इसका डब नहीं आया है, कि किसी यूट्यूबर है सिनेमोटोप्सी करके यूट्यूबर है, तो इन्होंने इसका डब किया है, क्योंकि बेसिकली हम चाह रहे थे कि थोड़ा हिंदी रहे कंटेंट, तो इसलिए। True, because उसमें ना हमें समझ में आता ना आपको समझ में आता। फिर इसके कैप्शंस पढ़ पढ़ के हमें बताना पड़ता, तो इसलिए हमने ऐसा करा। तो कैसा लगा ट्रेलर विक्रम का? ट्रेलर काफी क्या कहते हैं उसको, हड़भंगकार बोलते हैं, कुछ भारी को कुछ वर्ड बोलते भौकाल 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 लगा ट्रेलर। और साउथ की तो यार सारी मूवीज में एक्शन तो बिल्कुल ज़बरदस्त होता है, तो इसमें भी एक्शन बहुत अच्छा है लग रहा है मूवी देखकर। और कमल हासन तो भैया मैं कितने टाइम के बाद, हाँ भाई है ना, एक मूवी थी मुझे मतलब बचपन से की, इंडिया में बैन हो गई थी कमल हासन की कोई सी मूवी, अब रानी मुखर्जी थी जिसमें, पता नहीं मुझे, मैं मतलब जो उसमें छोटा था हाँ, उसमें थोड़ा साधु टाइप का वाला लुक होता है उसमें, डोंट नो मुझे, वही मूवी थी वही वाली थी, उसमें थोड़े से उसमें पता नहीं किसी कोई महात्मा था कोई, उसके ऊपर उसने सीन्स थोड़े से वैसे देते, शायद महात्मा गांधी की ही बनाई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं मतलब कंफर्म नहीं कह रही, लेकिन वो उसमें चरखा चला रहा था और उसमें शायद महात्मा गांधी ही बना था। अच्छा। तो उसमें उसके अफेयर्स दिखाए थे, ये सब दिखाए थे, तो इसलिए वो शायद बैन हो गई थी, ऐसा कुछ था उस मूवी का। नहीं मुझे मतलब वही है ना, बैन हो गई, क्यों बैन हुई, वो बस उसी देखने के लिए मैं वो मूवी देखना चाहता, नाम भी नहीं मुझे पता, थोड़े सीन अगर किसी को नाम बताए तो प्लीज कमेंट में बताना, और थोड़ी उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पता चले तो बताना, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ ये वाला, अभी कमल हासन का नाम सुनते याद आया, क्योंकि उस टाइम मैं कमल हसन को जानता नहीं था, बस इसी मतलब न्यूज में हाइप बढ़ी थी उसकी, कमल हसन की उसने ऐसा कुछ हुआ था कि कमल हसन ने अपनी सारी अर्निंग्स लाइफ टाइम की उसने उस मूवी पे लगा दी थी, ठीक है, और फिर उसका सारा मतलब वो हो गया था, उसका बैन हो गया था इंडिया में, तो इसी वजह से कुछ ऐसा था, तो इस वजह से उस टाइम से मैं जानता हूँ कि भाई कमल हसन है, क्यूरियोसिटी हो गई थी, हाँ अब तो मुझे देखनी है कुछ, एक और मूवी आई थी चाची 420 करके, अल्टीमेट मूवी है यार, वो भी नहीं देखी मैंने, बताया
मुझे पता है आप लोग जितने देख रहे हो सबने 400-420 तो देखी होगी, मतलब वो इतनी अच्छी मूवी है, इतनी अच्छी है। और उसमें इसने पता क्या कैरेक्टर, ट्रेलर तो देखा होगा, हाँ, थोड़ा बहुत पता है कि ये मतलब औरों का भी कैरेक्टर बनता है सेम, मतलब उसमें उसमें ये बनता है आंटी का कैरेक्टर निभाता है, मेड का। मैं तुम्हें इसकी स्टोरी बताती हूँ चाची 420 की। उसमें क्या हुआ था कि महबूबा महबूबा को बोला जाता है यार, ये तो उल्टा ही पड़ गया। अभी नेक्स्ट वीडियो कह रही थी बहुत महबूबा के मैसेज आ रहे हैं, अब इनके महबूबा के मैसेज आ रहे हैं, इनके महबूबा बोलो यार महबूब महबूब। तो उसमें ये अपनी वाइफ से सेपरेट हो रहा था, तो इसकी वाइफ के साथ इसकी बच्ची रहती थी, तो अपनी बच्ची को देखने के लिए, थोड़ा सा अपना रिलेशन ठीक करने के लिए, तो ये मेड का वो बनता है, मतलब मेड बन जाता है और उसी का गेटअप लेता है पूरा। तो वो चाची चाची उसको बुलाते हैं वो लोग घर में प्यार से। तो वो पूरी मूवी उसी पे, और इतने कॉमेडी मूवी है और थोड़ी इमोशनल भी है, सब कुछ है मतलब उसमें अच्छा है। और वो फाइट करता है उसमें, जैसे उसकी वाइफ को लड़के छेड़ रहे थे तो आंटी के रूप में साड़ी पहन के फाइट कर रहा होता है, इतने फनीस्ट सीन है उसमें, बहुत अच्छे अच्छे। और फिर जब उसमें उसका रिवील होता है ना, वो सीन भी बहुत फनी है, जब सबको पता लगता है अरे ये तो ये है, वो भी बहुत अच्छा था। तो हाँ वो जरूर देखना। और बाकी मुझे तो ये मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और इतनी ज़्यादा अगर ये अभी उस पे आ रही है, नंबर 2 पे आ रही है, तो दैट मींस हाँ, और विजय सेतुपति है, मतलब भाई मैं तो एक्टर्स बहुत अच्छे हैं लिए इसमें भाई, हाँ एक से एक एक्टर्स हैं। मूवी भी प्रोड्यूस कमल हसन ने करी है। ओके वाह। और बैकग्राउंड म्यूजिक ऑब्वियसली अच्छा था, प्लस डब है तो इतने अच्छे से उभर के नहीं आता, क्योंकि डायलॉग्स के बीच में उन्होंने थोड़ा वो कम कर दिया होगा ऑब्वियसली, बट मुझे लग रहा है कि इसके इफेक्ट्स अच्छे होंगे, एक्शन अच्छा होगा, लाइक पुष्पा की तरह होगी ये मूवी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऑब्वियसली भाई साउथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करता है, लाइक KGF, पुष्पा, ट्रिपल आर बहुत अच्छी मूवी। ट्रिपल आर तो मेरी फेवरेट, मतलब सबसे अच्छी मूवी मैंने इस ईयर देखी है, मेरे लिए ट्रिपल आर है। क्या मूवी थी, बस मैंने तब तक अपना चैनल स्टार्ट नहीं किया था, वरना तो स्टोरीज उसकी काफी अच्छी थी। और ये एक और आ गया साउथ का जलवा भाई, और इसमें जो वो गन यूज करेंगे साउथ का जलवा, और इसमें जो वो यूज किया है वो कौन सी गन होती है, बहुत बड़ी सी KGF वाला थोड़ा सीन लगा कि सेम वही गन उठा ली, पर लेकिन अच्छा लग रहा था है, क्योंकि अब जो चला रहा है गन वो भी तो बहुत खतरनाक होना चाहिए ना दिखने में, तो कमल हासन इज लुकिंग टू गुड। वो जो गन चला रहा है वो, जो भी उस गन को बोलते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बड़ी माँ बोलते हैं KGF के अकॉर्डिंग, मैं तो बड़ी माँ थी हाँ, लेकिन उसका कुछ नाम होता है मुझे नहीं पता, वो एक था टाइगर में भी यूज हुई है वाली गन आई थी। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे टाइप की। तो पढ़ लेते हैं, लेट्स सी लोगों ने क्या, एंड लाइक सिनेमेटोग्राफी भी है यार, इतनी मतलब प्यारी सिनेमेटोग्राफी दिखाई है इसमें, बारिश का सीन शुरू का सीन था, और मतलब जितने पूरे अम्ब्रेलास ऐसे करके वो नाइट वाली सीन्स थे, मुझे सही में बहुत अच्छे लगे इनकी सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग से बोलते हैं। तो अगर अगर हम पढ़े तो किसी ने तो तेलुगु में ही लिखा है, तेलुगु या साउथ की कौन से वो है हमें तो समझ नहीं आ रही, कमेंट्स वाले can't stop watching this over and over, they are acting with their eyes, next level acting. हाँ, notice नहीं करा था हमने ये वैसे, this is very true. मैंने तो नोटिस नहीं करा था ये वाला आईज का, नहीं आईज का मैंने नोटिस किया था, कमल हासन का जब एंट्री हुआ था सबसे पहले उसकी आंखें दिखाई थी, इफ यू नोटिस्ड इट है ना, तो आंखें देख के मेरा रिएक्शन भी आया था ओके। और एक किसी ने अच्छी बात लिखी है, आवर फिल्म इंडस्ट्रीज आर मूविंग टू अ सिंगल ब्रांड नेम, नो लैंग्वेज बैरियर्स, द अल्टीमेट इंडियन सिनेमा, दिस इज टू गुड। ट्रिपल आर के जो होते हैं SS राजामौली, उन्होंने भी कहा था कि साउथ को साउथ मूवी मत बोलो, इंडियन सिनेमा बोलो, दिस इज ट्रू। तो वही, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो आई थिंक दे आर डूइंग टू गुड देन बॉलीवुड मूवीज, लाइक मैं वेब सीरीज देखती हूं मोस्टली, तो मूवीज अभी तक आई थिंक इतनी अच्छी कोई मैंने देखी ही नहीं है। आई थिंक मैंने आलिया भट्ट की वो देखी थी गंगूबाई, मतलब आई कांट रिमेंबर, मतलब मोस्टली बायोपिक्स ही अच्छी निकल रही है, लाइक 83 हो गई, खुद से स्टोरीज जो बनती है वो इतनी अच्छी नहीं बन पा रही उनसे। Exactly. और अभी खैर धाकड़ और भूल भुलैया आ रही है, लेट्स सी वो क्या रिप्रेजेंट करती है बॉलीवुड की तरफ से, वो मुझे अच्छी लग रही कि हाँ इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज मूवीज ना आजकल ऐसी आने रही और ये देखने जानी, जैसे RRR जब आई थी आई वाज सो एक्साइटेड कि नहीं ये तो मैं हॉल में ही जाके देखूंगी, मतलब उस ट्रेलर में काफी सारे इमोशंस, फ्रेंडशिप दिखा दी थी, उनके बीच की लड़ाई दिखा दी थी, और स्टोरी भी नहीं पता लगी थी ट्रेलर से, आज की मूवीज में तो स्टोरी पता लग जाती है पूरी।
इसका भी मुझे स्टोरी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विक्रम वही है मेन लीड, कमल हसन। हाँ मतलब नहीं, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कमल हसन और बीच के दोनों के बीच की गैंग और लड़ाई या जो भी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की लड़ाई है, बट बस ये दिखाया कि लड़ाई है, लड़ाई क्यों है, कैसे क्या ट्विस्ट आता है, वो चीज मूवी के लिए छोड़ दी उन्होंने। तो ऑब्वियसली देखते हैं यार हिंदी का कब ट्रेलर आएगा, ठीक है, हिंदी का ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हूँ कि किससे डबिंग करवाई है अगर ये पैन इंडिया रिलीज हो रही है तो। और सोनी लेके आ रहा है तो शायद सोनी म्यूजिक साउथ लेके आया है इस ट्रेलर को, तो शायद हो सके कि हिंदी लैंग्वेज में भी आ सकती है। तो बस मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ, इवन मी, मी टू। यही सेंटेंस आता है क्या इंग्लिश में, यही सेंटेंस आता है मुझे क्या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। ओके गाइस, चलो एंड करते हैं वीडियो को, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। आई रियली होप आपको ये ट्रेलर भी अच्छा लगा हो और ये मूवी पसंद आएगी, तो आप देखना ज़रूर। और एंड आई रियली होप कि हमारी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, अच्छा बुरा जैसा आपका मन करे, पर करके जाइए प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट क्लोथ्स। यस, बाय बाय। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वैसे उसमें सेम क्लोथ में मिलेगी। नो, सेम क्लोथ में मिलेगी। इसके बाद तो हम वो वाली डालेंगे ना जिससे पहले भी शूट करी हमने। अच्छा हाँ, मतलब लेकिन आपको पता ही लग गया होगा कि मैंने ये दोनों साथ में ही शूट करी है, तो ऑब्वियस है। लेकिन हाँ, मैं अपलोड पहले ये करने वाली हूँ बस। हाँ ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मेरे कपड़े ये नहीं होंगे। इस लड़के ने जबरदस्ती बोला कि चलो यार अभी एसी में कर लो ना, कैमरे की बैटरी लो है। मैंने कहा चलो अभी बंद हो गया होगा, पता चला आपकी बात ही सुनाई ना दे रही हो। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैंने बोल दिया वैसे, चल।